पहले तो आपको बधाई क्योंकि कांग्रेस का चेयरमैन बना है, आपकी पार्टी से ही चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप बीदर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में पहुंचे थे तो आपका नाम भी कहीं ना कहीं आ गया था, लोगों ने ये बात कही। सवाल है मेरे सभी बीदर के भाइयों और बहनों और मेरे दोस्त अजीजों सभी से मेरे बहुत बहुत सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी जितने भी मेरे बारे में दिल में सब मैं अध्यक्ष बन्नावल को रखे थे और सभी की उम्मीदों को आज जरा नाराजगी भी है। हाईकमान ने डिसीशन लिया है 15 महीने बोल के, 15 महीने बोलने के बाद अब 15 महीने पहले उनको पेड़ लो बोल के मोहम्मद रोस को बोला है, 15 महीने के बाद फिर हमको बोला है। खैर हाईकमान का क्या डिसीजन था कि उनको पहले बोला बोले, और हमारा काम भी विदर्भ में बहुत कुछ करना था, मेरे काम भी पूरे विदर्भ के हर जनता जानती है। अब आने वाले 15 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी मैं जितने भी जन लेते थे हमारे पब्लिक रिव्यू लेते थे जितने भी हमारे चैनल वाले हैं सुबह में कहीं ना कहीं कहना कौन बनना चाहिए कौन बनना चाहिए, बोले तो यादव बनना चाहिए यादव ही बनना चाहिए। ऊपर वाला सुबह के दिन में मेरा अस्तित्व डाला था और सब जन मेरे बारे में तो अच्छा सोच रखते थे सब, जो जो भी मेरे बारे में अच्छा मैं बनना था बोल गए, जो भी मेरे बारे में बोलते थे मैं सभी का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे बारे में मेरे अस्तित्व दिल में रखे थे। और अब ऐसा हाईकमान का फैसला हुआ है, हाईकमान का फैसला हुआ है तो उसके साथ रहना पड़ता है। उन्होंने जो भी सोच के लिया होगा डिसीजन सही लिया होगा उसके बारे में मन ज्यादा तो बोल नहीं सकते। आपको लगता है कि इसके बाद गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि देखिए 15 महीने का फॉर्मूला जिस तरीके से आपने बताया, तो अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी पहले इस तरीके का फॉर्मूला दिया गया था सीएम पद को लेकर के, हालांकि अंत तक फिर वो तस्वीर बदल नहीं पाई। राजस्थान में भी कुछ इस तरीके की अटकलें थी, नहीं यहाँ पे ऐसा हर वो बड़ा इलेक्शन है यहाँ के हिसाब से बड़े हमारे लीडर्स लिए जिम्मेदारी, वो चाहते हैं नहीं हूँ होता है तो जब तक जब भी होता है देखा जाएगा उसमें। पूरा भरोसा है आपको? हाँ पूरा भरोसा मेरे लीडर को, पूरा भरोसा। यानी जो अग्रीमेंट हुआ 15 महीने का, क्या इसके चेयरमैन औसुद्दीन की मौजूदगी में हुआ है? बिल्कुल दोनों की मौजूदगी में हुआ है, दोनों को बढ़ाए हैं कॉम्प्रोमाइज कराए हैं। तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे? हाँ आगे इसे कंटिन्यू आप करेंगे? आप इंशाल्लाह सब जगह मिलजुल के कांग्रेस का नाम करेंगे, काम मिलजुल को करेंगे। और मेरे वास्ते जो भी जितने भी आप भी तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ऐसे जा के लेते गए और कहीं ना कहीं मेरा नाम आते गया। सब जगह पूरे विदर्भ की अवाम का मैं बहुत पहले दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बारे में अच्छी सोच रखते हैं, मेरे बारे में इतना सोचे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नहीं हुआ फिर 15 महीने के बाद इंशाल्लाह जरूर होगा। एक और सवाल ये कि जो आम लोगों के लिए आप हमेशा तत्पर रहे, आगे रहे, उनके लिए कामों में आप हमेशा जुटे रहे, तो ऐसे में अभी भले चेयरमैन की कुर्सी आपको ना मिली हो पर काउंसलर की कुर्सी आपके पास है, तो उसको देखते हुए कि आप आम लोगों के बीच में उसी तरीके से जुटे रहेंगे? बिल्कुल भाई, अभी कम से कम 20 साल से आम आदमी कुर्सी का कुछ भी नहीं मैडम, मैं हमेशा वो गरीब जो भी मेरे बारे में अच्छे से तो कभी भी इन्हीं टाइम में काम को तैयार हूँ, हर टाइम में उनका क्या भी काम रहेंगे मैं करते रहूंगा। खाली चेयरमैन की कुर्सी रहेंगे, काउंसलर के रहेंगे, चाहे मैं रहेंगे, मैं तो सभी का काम करते रहूंगा। पब्लिक के बीच में जैसे पहले उतरते थे अभी भी उतरेंगे और आगे भी रहेंगे? अरे इंशाल्लाह इससे कहीं ज्यादा उतरूंगा। आप तो बिल्कुल दोनों मिनिस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर और साथ ही हमारे रेंका? दोनों मिनिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उन्होंने क्या तो सोच कर डिसीजन लिया होगा और उससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते।